और आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे इस वक्त केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य संबोधित कर रहे हैं। भारत सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्था है, उसके सर्वोपरि उसके निदेशक होते हैं। झारखंड का देवघर एम्स में रेगुलर निदेशक ना होने के कारण वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर आसीन डायरेक्टर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एम्स के विधिवत उद्घाटन के लिए ओपीडी का और एमबीबीएस सेकेंड बैच का तथा वहां जो नाइट शेल्टर होम है, जिसको हम लोग आश्रय गृह कहते हैं, उसके उद्घाटन की स्वीकृति मांगी थी और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति के साथ उनको कहा था कि डेट आप तय करें, हम लोग तैयार हैं 15 या 16 जून किसी भी तिथि के लिए। उसके बाद भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक एनके ओझा ने विगत 11 जून को एक तिथि निर्धारित की कि हम लोग 15-16 तारीख को, क्योंकि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनको समय का अभाव है, इसलिए यदि आप लोग संभव हो तो 26 और 27 जुलाई में किसी एक दिन हम लोगों को समय दीजिए ताकि फिजिकली उपस्थित होकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उस उद्घाटन समारोह में रहें। हम सबको जानते हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अभी एक जो मनाही की उनकी सूची है उसमें किसी भी तरह के समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी है जहां पर 5 व्यक्ति से ज्यादा हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के सचिव ने 18 तारीख को एक चिट्ठी दिया कि हम लोग यहां पर चूंकि समारोह आयोजित करने में असमर्थ है, इसलिए यदि वर्चुअली इस कार्यक्रम को किया जा सकता है तो उस पर हम लोग तैयार है 26 तारीख को। तत्पश्चात भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव है उन्होंने इस पर एक स्वीकृति प्रदान की 22 जून को भेजे अपने पत्र में कि हम लोग वर्चुअली माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उसकी ये प्रति है जो 22 तारीख को भेजी गई। उसी निदेशक श्रीमान एनके ओझा के द्वारा सारे कार्यक्रम तय कर दिए गए, वहां पर किसी भी तरह का जो जमावड़ा होना था उसको सीमित करके वर्चुअल किया गया ताकि यहां से माननीय मुख्यमंत्री, नई दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री,
और उस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी सभी कोई वर्चुअली उपस्थित रहे, उसकी सारी तैयारी कर दी गई। लेकिन कल अचानक शाम को एक चिट्ठी आया, 24 तारीख को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, कि 26 तारीख का कार्यक्रम अपरिहार्य अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण उसको हेल्ड किया जाता है। सारा कॉरेस्पॉन्डेंस अब तक निर्देशक के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस पत्र को यदि आप लोग देखेंगे तो बड़ा मजेदार एक तथ्य है कि इस पत्र को भेजने वाले डायरेक्टर नहीं, इकोनॉमिक एडवाइजर ने भेजा है, आर्थिक सलाहकार। इन महानुभाव का नाम है नीलम्भुज शरण। आर्थिक सलाहकार द्वारा निर्देशक को रिप्लेस करके कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की गई।